ठीक है, गति यानी मोशन। तो मोशन आपको सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, ये मैंने बात की थी पहले भी। तो किस किस तरह का मोशन हो सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। और ये जो चैप्टर है ये हमारा फिजिक्स में से है, ठीक है। और इसमें हमने अभी तक पढ़ा सबसे पहले और दूरी और विस्थापन पढ़ा हमने, ठीक है। सबको पता है ना क्या होता है दूरी और विस्थापन? दूरी वो होती है जो ए बिंदु से चलते चलते हम बी बिंदु तक पहुंचे हैं उस तक की टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है हमने, तय किया गया जो रास्ता है उसकी जो लेंथ होती है उसे हम दूरी कहते हैं। तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाते समय। और विस्थापन क्या होता है? ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे मापेंगे हम? ऐसे ए से बी तक हवा में मापना पड़ेगा ना ये। तो ए से बी, एक बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कैसी है? ये न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, न्यूनतम, हाँ ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है बिटवीन टू पॉइंट्स स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि कल को तुमने अगर साइंस में पढ़ना होगा ना तो फिर वहाँ पे मुश्किल आती है। तो डिस्टेंस आपको कॉमनली वर्ड आपने यूज़ किया है, जानते हैं आप डिस्टेंस क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन ये दो नए शब्द पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो ये याद रखनी है। फिर हमने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मतलब सदिश राशि है जिसमें दिशा के द्वारा इसे मापा जाता है, ठीक है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, मेनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड जिसको परिमाण कहते हैं, 1 2 3 4 5, और उसकी यूनिट यानी इकाई, ठीक है। जिन राशियों में हम दो चीज़ों से ही मापते हैं जिन राशियों को, उसे हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें इनके साथ साथ हमें दिशा को भी मापना जरूरी होता है उसे हम कहते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी। फिर हमने जब दूरी तय की तो किस चाल से की, किस स्पीड से दूरी तय की है इसके बारे में पढ़ा। तो हम चाल को कैसे मापते हैं ये हमने सीखा यहाँ पे। लो अरे क्या हो गया, तो चाल की बात हमने की, हमने बोला जिस स्पीड से आप कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे वो स्पीड होगी, है ना। स्पीड की एक इकाई समय में, यूनिट टाइम में, एक इकाई समय में जितनी दूरी तय की गई उसे हम कहते हैं स्पीड। और इसको मापने के लिए स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, जनरली ये वेग है, स्पीड नहीं है ये वेग है। तो हम कहेंगे वी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसको हम एस लिखेंगे, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बोलेंगे जो हमने अभी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए कि हम चाल या वेग को कैसे माप रहे हैं। चाल या वेग को हम माप रहे हैं तय की गई दूरी बटा कुल समय, जिसको हम टी से मापते हैं। क्या हो रहा है ये, ठीक है, समय। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है, एक ये पढ़ा था हमने। दूसरा हमने बोला कि जो चाल है ये घटती और बढ़ती रहती है, तो ये चाल में कितना अंतर आ रहा है, वेग में जो अंतर आता है, वेग में अंतर, ठीक है। तो जो वेग में अंतर आता है जब इसकी दर को मापते हैं, यानी एक इकाई समय में वेग में कितना अंतर आया है, इसको हम दर भी कहते हैं। तो वेग में अंतर की दर को या परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण भी एक सदिश राशि है, और इसका, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको अंग्रेजी शब्द इसका है, इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसको ए से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और ए को मापने के लिए हम वेग में अंतर देखते हैं, और वेग में अंतर कैसे होता है,
जो अंतिम वेग है माइनस जो प्रारंभिक वेग है, ये वेग में अंतर होता है। तो v माइनस यू बटा टी, ऐसे हमने कल कुछ पढ़ा था। और हमें पता है वेग की इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड, और त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ये हमने कल पढ़ा। ठीक है, अब आपने आज हम इसका ग्राफीय प्रदर्शन देखेंगे, ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम स्पीड को, डिस्टेंस को, टाइम को। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम जब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम स्थिति और समय का ग्राफ लेंगे सबसे पहले। तो स्थिति और समय, या इसको दूरी और समय भी कह सकते हैं, कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है और उसके लिए वो कितना समय लगा रहा है। ठीक है, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये फर्श है, इसके ऊपर एक गेंद मैंने फेंकी। ठीक है, तो चलो मान लो पहले तो वो विराम है, तो दूरी समय ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये गेंद जो है ए पोजीशन पर है और स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो देखो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में समय बताएंगे और वाई एक्सिस में हम दूरी बताएंगे। ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट को हम मान लें ये 10 मीटर की दूरी है, 20 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है, ये 40 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो अब ये हम बात करेंगे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट 30 मीटर की दूरी पर जाकर रुका है, यहाँ पर ए स्थिति से गया है, वो बी पर रुक गया है, और हम कहेंगे इस स्थिति पर हम विराम अवस्था में ये हम बना रहे हैं कि 30 मीटर दूरी पर ये पहुंचा है, मान लो 2 सेकंड में, उसके बाद 4 सेकंड पे, उसके बाद 6 सेकंड पे, या मिनट की बात कर लेते हैं, 6 मिनट पे, उसके बाद 8 मिनट पे, उसके बाद 12 मिनट पे। तो जब स्थिर अवस्था में है तो इसकी स्थिति तो परिवर्तित नहीं होगी ना, ये 30 मीटर पर ही रहेगा। ठीक है, तो अब 2 मिनट बाद आप देखोगे तब भी ये 30 मिनट पर ही है, तो इसके सामने आपने बिंदु यहां बनाना है। फिर 4 मिनट पर आपने देखना है, ये भी आपने यहां पे बनाना है। 6 मिनट पर आप देखोगे तब भी स्थिति यहां पर है, 30 मीटर पर, यहां पे रुक जाना है। 8 मिनट पर आप देख रहे हो तब भी आपके पास यही स्थिति है, और 12 मिनट बाद आप देख रहे हो तब भी 30 मीटर की दूरी पर ही है। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है। ठीक है, सरल रेखीय ग्राफ बनाइए हमारे पास, सरल रेखीय ग्राफ, समझ गए। अच्छा, इसके बाद हम ग्राफ दूसरा बनाएंगे जो कि हमारे पास है, एक समान गति के लिए हम स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे। ये तो था स्टेशनरी स्टेट के लिए कि रुका हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, तो इस केस में हमने ऐसा ग्राफ बनाया। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु चली हुई है, ध्यान से सुनना, एक वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है और सरल रेखा में आगे की ओर जाती है। ठीक है, और ये एक समान गति से चल रही है, तब हम बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। ठीक है, पहले विराम अवस्था के लिए बनाया, अब हम बना रहे हैं कि एक समान स्पीड से चल रही है तो दूरी कितनी होगी। देखो अब, देखो अब मान लो ये 2 मिनट बाद है, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 मिनट है, 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा बच्चों, यहां पर हम ले रहे हैं दूरी समय ग्राफ और एक समान चाल के लिए, ध्यान से सुनना, एक समान चाल है हमारी, यानी अगर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की ही रहेगी। चलो इसको मीटर में लिखते हैं, किलोमीटर में नहीं हम लिखेंगे, हम बोलेंगे कि मेरी गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड बाद हम दूरियां निकाल रहे हैं। तो पहले तो 2 सेकंड में वो चलती है, 1 सेकंड में अगर 10 मीटर चलती है तो 2 सेकंड में वो 20 मीटर चलेगी, तो 20 20 की हम डिफरेंस बना लेते हैं, 20 सॉरी 40, 60 मीटर, 80 मीटर
और ये 100 मीटर, ठीक है, यहां पर। अब देखो 2 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, वो 20 मीटर दूरी पर पहुंच जाएगा, और अगले 4 सेकंड में यानी अगले 2 सेकंड में वो 20 मीटर और दूरी तय कर लेगा, क्योंकि एक समान स्पीड है ना, तो हर 2 सेकंड में वो 20 20 मीटर जाएगा। अब 6 सेकंड बाद वो कहां पहुंच जाएगा, 60 पर, तो 60 के सामने और 6 के सामने आप यहां पर एक पॉइंट लगाओगे। उसी प्रकार 8 सेकंड के सामने आप देखोगे वो 80 मीटर पर पहुंच जाएगा, और इसके सामने एक ऐसे पॉइंट बनाओगे। तो आप देखोगे ये ग्राफ कैसे बन रहा है, एक ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, बनी नहीं मेरे से, लेकिन ग्राफ में आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब भी एक समान चाल की वस्तु का दूरी समय ग्राफ आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। अगला जो ग्राफ है वो भी हम दूरी दूरी का नियम बनाएंगे, हम अब स्पीड और समय के साथ ग्राफ बनाएंगे। अभी तो हम दूरी के साथ बना रहे थे ना, अब हम बनाएंगे स्पीड के साथ।